बीरपुर जिला से जो पूरे का पूरा आज पाकिस्तान के पास है, मुजफ्फराबाद जिला जहां पर ये हमारी शारदा पीठ स्थापित है जिसका स्थान है, और तीसरा जिला है पुंछ। पुंछ पूरा नहीं है पाकिस्तान के पास, पुंछ जिला हमारे पास है, लेकिन पुंछ का एक तिहाई हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, तो जो मुझे विषय दिया गया है, मैं बहुत आभारी हूं कि इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आज होता क्या है, जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो हम केवल और मात्र कश्मीरी विस्थापितों की बात करते हैं जो 1989 या 90 में निकले हैं। ठीक है, घर से निकलना कितना दुखदायी होता है, कितना तकलीफदेह होता है, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन हमें शुरुआत उस जगह से करनी पड़ेगी जहां से बीमारी की शुरुआत हुई है, इलाज आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज कश्मीर एक समस्या बना हुआ है, क्योंकि हमें जहां से उसका इलाज शुरू करना चाहिए था, जहां से वो डायग्नोज होता, पता लगता कि ये बीमारी खत्म कैसे होगी, हम वहां से नहीं शुरू कर रहे, हम बीच में से जो है उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, अभी यहां चर्चा की इन्होंने, पाक अधिकृत कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ऐसा नहीं था कि वहां के हिंदू और सिखों को इस बात का पता नहीं था कि यहां क्या होने जा रहा है। 22 अक्टूबर को पहला हमला होता है पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर 1947 में। मेरे हिंदू और सिख 16 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जी से मिलने जाते हैं श्रीनगर में, उनके निवास स्थान पे। महाराजा तालाब पर बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा हम मिलना चाहते हैं, हम मुसीबत में आए, बात हुई। उन्होंने कहा बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कोई इरादे वहां नेक नहीं लग रहे पाकिस्तान के, और जो माहौल है वो माहौल इस तरह का है कि कभी भी विस्फोटक स्थिति बन सकती है, क्योंकि वहां रहने वाले जो हमारे साथी हैं, पुराने मुस्लिम लोग हैं, उनकी भी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है, थोड़ा बदलाव लग रहा है, तो हालात ठीक नहीं। अभी ये पूछ रहे थे कि कौन वो सज्जन थे जो महाराजा के सेनापति थे, कर्नल नारायण सिंह, वो उस समय वहां मौजूद थे। उनको बुलाया गया, महाराज हरि सिंह जी ने पूछा कि आपने मुझे बताया नहीं आप मेरे उस मोर्चे पे सेनापति हैं, और ये हिंदू सिख जो कहानी बता रहे हैं तो ये आपको बतानी चाहिए थी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत आपको जानकारी दे रहे हैं, मैं वहां का सेनापति हूँ, इस तरह का कोई माहौल नहीं है, बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल है, हिंदू सिख सब बड़े प्यार से रहते हैं, ये कुछ लोग हैं जो एक युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे, जिस दिन 22 अक्टूबर को हमला होता है, पहला कत्ल कर्नल नारायण सिंह का हुआ, और उसकी अपनी सेना ने उसको उसका गला काट कर अल्लाह अकबर का नारा दिया और पाकिस्तान से जा। इस तरह की स्थितियां थी। और मुझे बताएं, जब एक फौज का सेनापति मारा जाता है, जिसके भरोसे उस जिला के लोग थे, किसके पास जाएंगे, खत्म हो गया सारी कहानी। और हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह काटा गया, इतनी दुर्दशा की गई उनकी, जवान औरतों को उठाकर ले गए, जिनकी जिनका अता पता ही नहीं चला। मैं कहता हूं दरिया और कुएं, कुछ औरतों ने छलांगे लगाई, अपनी जानें दी ताकि हमारी अजमत ना लूट जाए, तो अपना पूरा उन्होंने सर्वस्व लुटा दिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज जो लोग कश्मीर को भारत का ताज कहते हैं, उसके लिए हमने खून लगाया, मेरे हिंदू और सिखों ने खून लगाया, उस बात के सबूत है मेरे पास। मैं अभी बात कर रहा था प्रोफेसर साहब से, मैंने कहा मेरे पास ऐसा दस्तावेज है, ये मेरे परिवार का है लेकिन सभी परिवारों का यही हाल है, उसमें लिखा है मेरे दादाजी का नाम पंडित राम सर किल्ड ड्यूरिंग वे टू जम्मू। ये भारत सरकार मुझे सर्टिफाई करके दे रही है, क्योंकि उस समय जो लोग मारे गए थे
उन सभी का एक डेटा तैयार हुआ। मेरी दादी का लिखा जाता है चंदन देवी डाइड इन अली बेग कैंप। अली बेग कैंप क्या था? जो लोग मीरपुर से बच के आए, पाकिस्तान ने ये नाटक किया, ये हमला हमने नहीं किया, ये कबायलियों ने किया। तो भारत सरकार ने कहा अगर ये कबायली हमला है तो जो हिंदू सिख बच के आ रहे हैं ताकि वो पहुंच जाएं यहाँ जम्मू कश्मीर तक, आप उनकी हिफाजत करिए। तो उन्होंने नाटक करने के लिए कैंप बनाए और उन कैंपों में जो राशन दिया जाता था, आटा दिया जाता था, उसमें कांच पीस कर मिला देते थे ताकि अगर गोली से ना मारे इनको तो ये कांच वाली रोटी खा के इनको जो लहू लुहान होकर ये लोग मरे। बड़ी तकलीफों से, बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी यहाँ चर्चा चली कि ये शर्त लगाई गई कि शेख अब्दुल्ला को सौंपा जाए। भाई साहब इसमें और भी बड़े एंगल हैं। वो क्या है, मुजफ्फराबाद 22 अक्टूबर को फाल हो गया समझ आ सकता है, क्योंकि युद्ध किसके सामने था? पाकिस्तान और महाराजा की सेना में, क्योंकि हमने विलय नहीं किया था और हम नहीं टिक पाए पाकिस्तान के आगे, तो मुजफ्फराबाद फाल हो गया। लेकिन जब एक्सेशन हो गया 26 अक्टूबर को, 27 को भारत की फौजें श्रीनगर लैंड कर गई, उसके एक महीने के बाद नवंबर 25 को मीरपुर फाल होता है। क्या ये साजिश नहीं? ये कैसे फाल हो गया? मुजफ्फराबाद तो ऐसे फाल हुआ क्योंकि वहां पर भारत की फौजें नहीं थी, महाराजा और पाकिस्तान लड़ रहा था, पाकिस्तान की सेना लड़ रही थी। लेकिन उसके एक महीने के बाद, विलय के एक महीने के बाद 25 नवंबर को मीरपुर फाल होता है। और कब होता है? जब शेख अब्दुल्ला इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव। ये किस लिए हुआ? क्योंकि क्यों इलाका जाने दिया गया? और सबसे बड़ी बात यह है, श्रीनगर तक आ गए थे कबायली जिसको कहा जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान की फौज थी। हमने श्रीनगर सिटी खाली कराया, हमने उड़ी खाली कराया, करना खाली कराया। हम क्यों मुजफ्फराबाद के मुहाने पर जाकर रुक गए? हम क्यों मीरपुर को जाने दिया? हमने इसलिए जाने दिया कि वहां जो मुस्लिम रहता था वो पहाड़ी स्पीकिंग था, और शेख अब्दुल्ला को अपनी कश्मीरियत को जिंदा रखना था। वो नहीं चाहता था कि पहाड़ी मुस्लिम रहे। तो कल को मैंने जो प्लान बनाया कि मेरी 10 पीढ़ियां शासन करेंगी, वो कभी ना कर पाती, और उन्होंने किया। शेख अब्दुल्ला पहले प्रधानमंत्री थे, बाद में जेल से बाहर आके वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनका बेटा फारूख अब्दुल्ला बना, उसके बाद उनका पोता उमर अब्दुल्ला बना, उसके बाद अगली बारी थी। लेकिन मोदी जी ने बीच में आके इनको ऐसा वो किया, सबक सिखाया कि वो सारी चीजें जो है वो वहां पर आकर टूट गई। लेकिन प्लान क्या था आप देखिए, मेरे बुजुर्ग बताते हैं 1945 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। ये लोग मीरपुर में गए, शेख अब्दुल्ला साहब, इन्होंने मुसलमानों का एक मजलिस बुलाई, एक जलसा बुलाया, वहां पर इन पर पथराव हुआ, इनको जख्मी कर दिया गया और बड़े बुरे हालात में, बड़ी तरह एक मैं कहता मुश्किल से बचाकर इनको लाया गया। और इन्होंने उसी दिन कसम खाई, जिस दिन मुझे मौका लगेगा मैं पहाड़ी मुसलमानों को यहां नहीं रहना। भाई साहब ने तो क्या कारण था? मैं तो ये पूछना चाहता हूं पंडित नेहरू से कि जब हमारी फौज इतनी सक्षम थी, जिसने श्रीनगर उड़ी करना खाली कराया, हम क्यों चले गए यूनाइटेड नेशन में? हमने क्यों मान लिया सीज फायर? और यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है 1945 में और यह हादसा 1947 का। 2 साल पहले जो संगठन बना वो फैसला करेगा कि भाई साहब आप सीज फायर कर दीजिए, क्यों करिए? भुक्त भोगी हम लोग हैं, ये मेरे लोग यहां बैठे हैं, खून के आंसू होते हैं हमारे, हमारी चल अचल संपत्तियां पार पड़ी, आज तक हमें उसका मुआवजा नहीं मिला। भारत सरकार कहती है अगर आपको मुआवजा देते हैं तो एक संदेश जाएगा कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया। क्या तमाशा है? लेकिन आप देखिए, जो लोग पार्टीशन से आए, भारत पाकिस्तान के विभाजन से आए, हमने एक एक्ट बनाया, डिस्प्लेस पर्सन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1954, लेकिन उस एक्ट को मुझ पर लागू नहीं किया जाता, मेरे लोगों पर लागू नहीं होता। उसके लिए ये कहा जाता है कि इलाका खाली कराएंगे, हम आप लोगों को वापस भेजेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, मुझे रिफ्यूजी स्टेटस नहीं है। क्योंकि कहते हैं रिफ्यूजी उसको कहा जाता है
जो विदेशी भूमि से आए, क्योंकि ये वो भूमि है जो हमारी अपनी है। अच्छी बात है, अपनी है। लेकिन मुझे दुख कब होता है जब मेरी उसी भूमि पर मिलिटेंट्स जो है ट्रेनिंग लेते हैं, वहां से लॉन्चिंग पैड वहां बनाए जाते हैं और वहां से तैयार होकर वो जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में खून खराबा करते हैं और वो इलाका मेरा है। ये सारी बातें हैं जो मैं यहां जरूर करना चाहता था। आगे हमने कहा था कि इसका इसका तरीका क्या है, आज यहां चर्चा चली। देखें, हम 370 की बात मेरे एक साथी ने की, 35 एक ही की। ये बीमारियां जो है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां थी। वो ये बीमारियां थी कि हमने जो पाक अधिकृत कश्मीर जाने दिए और उसमें जो लोग जिम्मेदार थे मैंने आपको बता दिए, और वो जाने से क्या नुकसान हुआ कि वहां पर ये लोग आज ट्रेनिंग पाते हैं, यहां आकर हमारा खून खराबा करते हैं। होता क्या है, हमारी फौज, यहाँ कई फौजी बैठे हैं, हमारी पुलिस बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करती है, अपनी जान भी नछावर करती है, उनको भी मारती है, लेकिन अगली सुबह वो फिर आ जाते हैं। कहां से आते हैं? वहीं से आते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि काम करिए, बड़ा आसान है, आप मीरपुर मुजफ्फराबाद और पुंछ स्काउट्स बनाइए मेरे लोगों से, क्योंकि हम लोग, मेरे लोग बेरोजगार हैं, बहुत बड़ी समस्या है, आप उनको भर्ती करिए। हम टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, हर चीज उस इलाके की जानते हैं, जुबान को जानते हैं। जब हम वहां खड़े होंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां से वो पार आकर आते हैं, हम देखते हैं कि एक परिंदा भी पर मार करके तब जाकर उठेगा। लेकिन आप हवा में बातें करेंगे, आप नए नए प्रयोग करेंगे, मैं समझता हूं कि इससे बात रुकने वाले नहीं। बाकी आज ऐसी स्थितियां हैं, मैं अपने देश को कमजोर नहीं समझता, मेरा देश आज सीटें हैं असेंबली के अंदर। जम्मू कश्मीर की असेंबली जब 1957 में बनी थी, 100 सीटों का प्रावधान था, 75 सीटों पर चुनाव होने थे, 25 सीटें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए रखी गई, एक सीट आपने निकाल ली, वहां आपने 24 रहने दी, यहां 76 कर ली। डिलिमिटेशन होती है, 76 की 87 हो जाती है, वो 24 ही रहती है। अरे भाई साहब, अगर वो इलाका सीरियसली हमारा है तो प्रपोर्शनेटली उसको भी बढ़ाना था, नहीं बढ़ाया आपने। फिर अब आप देखें, अब आपने 5 अगस्त 2019 को जो रीऑर्गेनाइजेशन की है जम्मू कश्मीर की, उसमें भी हमने क्या किया, 87 में से 6 ले की अलग करके ले लद्दाख की, जो 81 बची उसको 90 कर दिया, लेकिन वो आज भी 24 पे खड़ी है जो मेरे इलाके। हम उस पर क्या सुझाव देते हैं, क्योंकि मेरा एक तिहाई व्यक्ति वहां से आज विस्थापित है, जो आज स्वामी जी के सानिध्य में है, क्योंकि हम इसी पीठ को मानते हैं, हम माँ शारदा देवी के भक्त हैं, क्योंकि वो वहां पर पीठ हमारे पीओके में ही थी। हमने कहा है कि एक तिहाई लोग हैं, वो सीटें किसके लिए है, वो तो इलाके के लिए, मेरे लिए। अगर हम लोग यहां मौजूद हैं, हमें दीजिए। अगर 8 सीटें आप हमें देते हैं 24 में से, मेरा लोकस बनेगा, मैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर चाइना को, पाकिस्तान को, जो सिल्क रूट की बात हुई है या रोड बेल्ट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मैं उनको एक्सपोज करूंगा, उनको रोकूंगा। और मैं एक बात बता दूं, अगर हम उस प्रोजेक्ट को रोक पाते हैं तो हमें युद्ध की क्या जरूरत है, हम तो कमर तोड़ देंगे, क्योंकि इतना पैसा लग चुका है चाइना का वहां पर, और जिस गवादर से वो शुरू होता है वो प्रोजेक्ट, वो हमारा इलाका है, और अगर हम उसको वापस ले लें, चाइना और पाकिस्तान तो वैसे ही अलग हो जाते हैं, वो अगर आज जुड़े हैं वो हमारे इलाके को लेकर जुड़े, लेकिन उस वो सोच नहीं बन रही। हम कर क्या रहे हैं, हम दूसरे तीसरे चैनल ढूंढ रहे हैं। मैं यहां एक सोल्यूशन दे रहा हूं, मैं कहता हूं आप एक काम करिए, और जिन मैं 8 सीटों की बात करता हूं, ये कोई हवा में नहीं है, इसके लिए कई संगठन, कई कमेटियां, कई लोग उसका जो है वो कर चुके हैं, पहले से ऐलान कर चुके हैं। अभी डिलिमिटेशन कमीशन बना था जम्मू कश्मीर में, हम उससे मिले, हालांकि उनका मैंडेट नहीं था, जो रंजना देसाई जी हैं उनका मैंडेट नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर से रिफ्यूजी आए हैं या विस्थापित आए हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में सीटें दी। उसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनती है,
जिसकी 2014 में रिपोर्ट राज्यसभा लोकसभा में पेश होती है, वो भी कहती है इनको 8 सीटें दीजिए, और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करनी पड़े तो करिए। अरे भाई साहब, ये इतने आसान तरीके हैं इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है कि आज पाकिस्तान ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है। बड़ा आसान था, क्योंकि मेरा लोकस है, मेरा मकान है, मेरे घर है, वहां दरियाओं के रुख मोड़े जा रहे हैं। मजेदार बात मैं बताऊं, ये मेरा एक कागज है जिस पे लिखा है कि हम 5,25,000 की प्रॉपर्टी मेरे दादाजी वहां छोड़ आए थे, जिसका मुआवजा नहीं मिला। लेकिन भारत सरकार मुझे क्या कहती है, आपको वापस भेजेंगे, आपका पुनर्वास होगा। लेकिन वहां मंगला डैम बन चुका है, वो डूब चुकी है प्रॉपर्टी मेरी पानी के अंदर, कैसे देंगे आप मुझे? और वर्ल्ड बैंक ने उसका पैसा दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया, और वो तब तक पैसा नहीं देते जब तक ऑस्टी को आप रिहैबिलिटेट ना करें। लेकिन मुझे तो मिला नहीं, वो कहां गया? ये बातें हैं सारी। मैं कहता हूं कि भारत सरकार को वो चैनल भी खोलने चाहिए जिसके माध्यम से युद्ध कोई आखिरी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और भी बड़े सारे ऑप्शन, क्योंकि हम उपलब्ध हैं। ये अभी मेरे लोग अभी यहां आए हैं, ये कुछ गुजरात से अभी एंटर हुए हैं, एक राजस्थान से भाई साहब यहां आए, वो बैठे हैं। ये सारे लोग पीओके से विस्थापित, कोई मुजफ्फराबाद से है, कोई कोटली से है, कोई बिम्बर से है, कोई मीरपुर से है, कोई पलंदरी से है, कोई बाघ से है, कोई नीलम घाटी से है, सारे लोग वहां से आए हुए हैं। हमारा भी एक सपना है, 3 पीढ़ियां मेरी चली गई इस सपने को लेकर कि इलाका खाली होगा, हम अपने घर वापस जाएंगे। जिन गलियों में वो पले बड़े हुए खेले, वो नसीब नहीं हुई उन्हें, तो क्या इस पर काम नहीं होना चाहिए? तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि स्वामी जी ने मौका दिया, और इतने प्रबुद्ध सज्जनों के सामने, जो हिस्टोरियन है, लिखने वाले लोग हैं, उनके सामने मैं ये बात कर रहा हूं कि जहां कहीं आपको मौका लगेगा तो भारत सरकार को बोलिए, उनको एक रास्ता दिखाइए, वह इन लोगों को प्रतिनिधित्व दीजिए, जम्मू कश्मीर की असेंबली में इनको बिठाइए, वहां मीरपुर का विधायक होगा, वहां कोटली का विधायक होगा, वहां मुजफ्फराबाद का विधायक होगा, वहां नीलम घाटी का विधायक होगा, जहां पर हमारी पीठ है, वो लोग वहां बैठेंगे तो आपको लगेगा। मुझे याद है जब ये सरकार आई, मोदी सरकार, इन्होंने एक कहा कि जो हम मौसम का हाल बताते हैं, तो आज के बाद मुजफ्फराबाद का हाल भी हम बताएंगे। पाकिस्तान की चीखें निकलती, सिर्फ मौसम का हाल बताने, और ये हाल गूगल पर भी उपलब्ध है। अगर मोदी सरकार ना भी बताती तो गूगल से आदमी देख सकता था कि मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल क्या है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा हम बताएंगे, तो पाकिस्तान की चीखें निकली। तो भाई साहब, जो चीजें मैंने बताई, अगर इस पर कोई काम हो तो क्या पाकिस्तान की छाती पर सांप नहीं लौटेंगे? निश्चित तौर पर। तो इसलिए हमने कहा है कि इसमें देश का भी फायदा है और हमारे लोगों का भी फायदा है, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन है, शुरू किसी ने की थी लेकिन आज भी जारी है। घाटी से विस्थापित आता है उसके लिए अलग सुविधाएं हैं, मंथली कैश रिलीफ मिलता है, मुफ्त में राशन मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, बाकी चीजें, लेकिन मेरे किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। हालांकि घाटी जाना कोई मुश्किल नहीं है, स्वामी जी ने पिछले साल घाटी में कार्यक्रम किए हैं, मैं भी इनके साथ उधर तुलमुला होके आया हूँ, हम सारे इकट्ठे मिलकर गए थे। तो इसलिए मैंने कहा है कि क्योंकि हम शारदा देवी, शारदा माँ के अनुयायी हैं हम सब लोग, और इसी शारदा यूनिवर्सिटी में हम, मुझे यहाँ आकर पता लगा, मैं पूछने वाला था कि क्या कनेक्शन है, खुद ही गुप्ता जी ने बता दिया कि इनकी माता श्री का नाम था। हम तो बिल्कुल शारदा माता के, शारदा देवी के भगत हैं, और इसीलिए हमने कहा है हम स्वामी जी के सानिध्य में इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है हमें बुलाया जाता है। लेकिन मैं आज बड़ा धन्यवादी हूँ कि आपने इस विषय पर, खास तौर पर, जिसकी चर्चा कभी किसी बड़े फोरम पर नहीं हुई, लेकिन एक और अच्छा काम हो जाता, यहाँ वीके सोई साहब यहाँ बैठे, इनके पिताजी ने उस समय वहाँ नौकरी की है शारदा में, और नीलम